जय हिंद प्रियांशी। ओहो मोदी सर, जय हिंद सर, कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो ये बताइए। कोरोना समय में अच्छी हूँ, मास्क पहन के रहते हैं। बहुत अच्छा, अभी मास्क पहनना ही चाहिए। जी सर, मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी मास्क पहनने का महत्व समझाती हूँ। ये अच्छी बात है। और हाँ, हाथ को भी बार बार सैनिटाइज करना है, वो तो पता है ना? हाँ सर, हम सब हैंड वॉश और सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं। और मेरे पापा जब काम पर या बाहर जाते हैं तब उनकी जेब में सैनिटाइजर की एक छोटी सी बोतल रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ भी उपयोग करना होगा ना। अरे वाह गुड़िया रानी, तुम तो अच्छा ख्याल रखती हो अपने पापा का और परिवार का। क्या करता है वो तुम्हारा भैया? वो समझता ही नहीं, अच्छी तरह मास्क पहनता नहीं और घूमने चला जाता है। वो अभी नादान है, उसको समझाते रहना। और ये बताइए, माताजी कैसी है, क्या करती है वो? अच्छी है, अभी तक कोरोना पॉजिटिव नहीं हुई है, बहुत संभालती है। अच्छा, कैसे संभालती है? सुबह में प्राणायाम, योगा करती है, गर्म पानी पीती है। अच्छा, कौन सा प्राणायाम करती है? कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे। ये तो बहुत ही अच्छी आदत है, सबको योगा प्राणायाम करना चाहिए। और सर, पिताजी ने तो चाय ही बंद कर दी। पिताजी ने चाय क्यों बंद कर दी? सर, मम्मी ने चाय बंद करवा दी और घर में दिन में 3 बार काढ़ा बनाती है और सबको पिलाती है। और हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो हम उनको भी काढ़ा पिलाते हैं। मम्मी बढ़िया काढ़ा बनाती है, आइए आप भी एक बार काढ़ा पीने के लिए। क्या बात है, आपका परिवार तो स्वास्थ्य की अच्छी तकदीर रखते हैं, आप तो बेमिसाल है। लेकिन सर, कुछ लोग समझते ही नहीं, बिना मास्क पहने घूमते हैं, भीड़ करते हैं और शादी समारोह में सोशल डिस्टेंस भूल जाते हैं। ये तो चिंता की बात है, सब लोग कोरोना मार्गदर्शिका का पालन करेंगे तभी तो हम उसे हरा पाएंगे ना। लोगों को धीरज रखनी चाहिए और ये बात कायम याद रखनी चाहिए कि कोई भी समस्या कायम नहीं रहती। हालांकि 8-9 मास हुआ है कोरोना को, लेकिन उसका भी हल निकलेगा। और हाँ, तुम्हारे जैसा समझदार परिवार की वजह से ही विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ कम लोग संक्रमित हुए हैं, हमारे यहाँ अच्छा वातावरण है। बिल्कुल सर। और ये बताइए, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, अभी तो मोबाइल से दूरदर्शन, ई पाठशाला, दीक्षा ऐप, यूट्यूब और स्कूल टीचर के वीडियो से वर्चुअल क्लास चल रहा है। लेकिन सर, स्कूल कब खुलेगी? बहुत जल्द, कुछ ही हफ्तों में वैक्सीन आ जाएगी, फिर टीका लगाने के बाद स्कूल खुलेगी। तब तक घर पर ही पढ़ाई करते रहना। सर, 8-9 मास से दिन रात सेवा करने वाले हमारे डॉक्टर, नर्सिस, पुलिस और अन्य कर्मचारी को हम प्रणाम करते हैं। बिल्कुल, ये सब कोरोना वॉरियर को हम जितना धन्यवाद दे सके इतना कम है, उसकी सेवा बेमिसाल है। जी सर। बस इस तरह अपना और अपने परिवार का सब ख्याल रखें, सब स्वस्थ रहे, सब सुरक्षित रहे, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद। जय हिंद सर।